ओके, अब आते हैं यू नो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लोकस पे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। यू नो ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ऑलरेडी, राइट? तो क्वेश्चन क्या है कि ओके, नो दिस क्वेश्चन। अ रॉड ऑफ लेंथ एल रॉड ऑफ लेंथ एल इज रेस्टिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल एंड अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, एज दी रॉड स्लाइड्स डाउन दी वर्टिकल वॉल देन फाइंड दी लोकस ऑफ फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ रॉड, सेकेंड मिड पॉइंट ऑफ रॉड, थर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ रॉड और लेट्स राइट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा, दो पॉइंट्स होते हैं, एक वॉल के तरफ होता है, एक फ्लोर के तरफ होता है, इज इट? अच्छा, तो लेट्स फाइंड पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ रॉड व्हिच इज से नियरर टू फ्लोर। चलो, क्योंकि दो दो पॉइंट्स होते हैं, राइट? सो ये मेंस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। लेट्स सी, ऑब्वियसली देखो वर्टिकल वॉल हॉरिजॉन्टल फ्लोर तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फ्लोर एंड वॉल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना? अच्छा, एक रॉड है जिसका लेंथ है एल, ठीक है, एक रॉड है जिसका लेंथ है एल, राइट? ओके फाइन। अब अपने को एंड पॉइंट ऑफ रॉड, अच्छा माने ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, तो रिमेंबर ये जो है ना ये फिक्स्ड है, ये हमेशा यही करते हैं। अगर कोई पॉइंट लेना है आपको एक्स एक्सिस पर तो रिमेंबर वी ऑलवेज कंसिडर ये ए है तो ए कॉमा जीरो, ये वाई एक्सिस पर है 0 कॉमा बी, ठीक है? दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डू। द मोमेंट यू हैव कंसिडर ए 0 बी 0 कॉमा बी, आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है, आपने ए और बी को इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब ए और बी क्या वो फिक्स्ड है, क्या लेंथ ऑफ रॉड फिक्स्ड है? ये क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी फिक्स्ड है क्या? नहीं, क्योंकि वो रॉड स्लाइड होगा, देखो ये रॉड जो है वो ऐसे स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब ए और बी फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है वो लेकिन वो कॉन्स्टेंट है, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर। रिमेंबर माने ए और बी आपने इंट्रोड्यूस किया है, माने इस क्वेश्चन के लिए ए और बी पैरामीटर्स बन गए, माने अगर आपको लोकस निकालना है तो आपको पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना होगा, सिंपल सी बात है। नाउ रिमेंबर वी नीड टू अप्लाई द ज्योमेट्रिक कंडीशन, कि यहां क्या ज्योमेट्रिक कंडीशन है, ये 90 डिग्री है, माने एल इज गिवन, ये गिवन पार्ट है, ये अपना अजम्पशन है, तो वी नीड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन गिवन एंड अजम्पशन, तो कैन वी डू दैट? यस, क्योंकि ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, ये 90 डिग्री है, तो क्या फंडा लगेगा इनके बीच में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये कंडीशन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अभी इस क्वेश्चन के लिए, माने जो हमने अज्यूम किया है जो दे रखा है उनके बीच का रिलेशन, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, क्या डिस्टेंस कोण अभी लगा सकते हैं, है ना? फाइन, अभी देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज द रॉड स्लाइड्स डाउन द वर्टिकल वॉल, कि ये जो एंड पॉइंट है ये कहां मूव करेगा, इधर उधर की तरफ मूव करेगा, माने किस पे मूव हो रहा वो एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब कैन वी से कि ये वाला पॉइंट का जो लोकस है बहुत ही सिंपल है, वाई इज ऑलवेज 0, माने द लोअर एंड ऑफ द रॉड ऑलवेज स्लाइड्स ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन बन गया वाई इज इक्वल टू 0, सिंपल है। और ये वाला जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है, वर्टिकली मूव हो रहा है, इसका मतलब इसका जो लोकस है इट इज सिंपली एक्स इज इक्वल टू 0,
है ना। तो लोकस ऑफ एंड पॉइंट ऑफ रॉड इज सिंपली पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। कैन यू से दैट? लोकस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड इज पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। इसका इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। सो एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड सिंपली ट्रेस टू टू परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। फाइन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड ऑफ दीज आर यू नो द इंपॉर्टेंट वंस। पहला क्या है? मिड पॉइंट ऑफ रॉड। अच्छा ये देखो मिड पॉइंट ऑफ रॉड ये कहीं होता है। अच्छा तो मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उस पॉइंट को हम या x, y लेते हैं या h, k लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन whether x, y इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन ऑफ मॉड। तो इस क्वेश्चन में x, y तो नहीं है तो मिड पॉइंट को हम x, y ले सकते हैं। सो लेट लोकस ऑफ मिड सॉरी जिसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है लोकस निकालना मिड पॉइंट का उसको हमने x, y कंसिडर कर लिया। तो p x, y के लिए अब देखो लेकिन ये मिड पॉइंट तो फाइंड कर सकते हैं। What is midpoint here? Do you think it is a by 2 comma b by 2? है ना? P इसका midpoint है, माने x और y को a और b की terms में express किया जा सकता है। So therefore x is a by 2 and y is b by 2. Now this is where things get very interesting, very interesting. Can you say कि ये इसका locus है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि parameters have to be eliminated. लेकिन parameters को लेकर एक ही condition है अपने पास। कौन सा condition है? Condition number 1. So what do we do now? What do we do? Simply ये उठा के इसमें डाल दो। A आपको eliminate किसको करना है? A और B को। तो इसमें से इसमें डाल दो। Simple सी बात। A is 2x and B is 2y. Put in 1. That's it. So what do we get? A square माने 2x का whole square plus 2y का whole square is 1. Sorry, L square. So 4x square. इसको मैं ऐसे लिखूंगा x square plus y square is equal to L square by 4. Very interesting. What does this represent? ये किसको represent करता है? Circle. Very good. So locus of midpoint of the rod is actually circle. जिसका center क्या है और जिसका radius क्या है? Very good. It is equal to. Very nice question. Very very nice question. अच्छा. So radius is equal to. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया तो थर्ड वाला हो ही जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा फिगर का यू नो आपको बदलना होगा। अच्छा अब उन्होंने पूछा थर्ड में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन नियरर। अच्छा दो पॉइंट होते हैं एक इधर में एक उधर में ठीक है। तो नियरर वाला पॉइंट जो है इट इज नियरर टू क्या बोला उन्होंने स्लोप। तो ये वाला 1 होगा इस 2 ये वाला 2 होगा सही है। और सिंस ये वाला पॉइंट का लोकस निकालना है तो इसको x, y लेके अगेन सही है। तो p x, y शुड बी क्या ट्राइसेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा? देखो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना बिलियन पड़ोस की थी। अच्छा m x 2 देखो 2 into a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर के पार्ट्स इधर का x तो 2a 1 into 0 by 3 2 into 0 1 into b तो यहां x is 2a by 3 and y is b by 3 सेम पड़ता है। एलिमिनेट किसको करना है अपने को? a और b को। तो वापस उठा के उसी में डालेंगे तो a की जगह 3x by 2 और b की जगह 3 by ये 1 में डालेंगे। put in 1 what do we get? a square plus b square so 9x square by 4 plus b square 9y square is equal to l square सही है। I wonder what this represents। दोनों सेकंड डिग्री टर्म है पॉजिटिव साइन है लेकिन कोएफिशिएंट्स अलग है। what does this represent? obviously इतना सोचने की क्या जरूरत है। दोनों सेकंड डिग्री टर्म है नेगेटिव हाइपरबोला पॉजिटिव एलिप्स पोजीशन सेम है सर्कल। देखो पोजीशन सेम है सर्कल लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? आरएचएस में बात ये देखो ध्यान से x2 / l2 नीचे आएगा
फोर एल स्क्वायर और ये लाइन इसके नीचे प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बाय ऐसा क्वेश्चन ठीक है तो दिस ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स एलिप्स. अब अच्छा अब सेम यही क्वेश्चन अपना वर्कशीट में है जिसमें उन्होंने पूछा है कि जिसका एक्सेंट्रिसिटी क्या है. सो ये तो एलिप्स है दिस ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स एलिप्स करेक्ट. अच्छा अगर मैंने पूछा इसका ए क्या है देखो मैं यहाँ कैपिटल ए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल ए स्मॉल बी दिया था. इसका कैपिटल ए कितना है हाउ मच इज कैपिटल ए ए स्क्वायर फोर एल स्क्वायर बाय नाइन है तो कैपिटल ए इज और बी कौन बड़ा है ए की बी ए बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की वर्टिकल एलिप्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स. अ सिंपल क्वेश्चन हमने ऐसा पॉइंट लिया जो नियरर टू फ्लोर है. अगर हम लिया होता नियरर टू वॉल नियरर टू वॉल ये देखो दिस वुड हैव बीन ए बाय थ्री टू बी बाय थ्री आ रहा समझ में देन वी वुड हैव ऑब्वियसली ऑब्टेन्ड वी वुड हैव ऑब्टेन्ड वर्टिकल एलिप्स है ना. हमने नियरर टू फ्लोर लिया तो इसलिए हमने को हॉरिजॉन्टल एलिप्स आया. हैड यू कंसीडर नियरर टू वॉल यू वुड हैव गॉट वर्टिकल एलिप्स. अच्छा वर्कशीट में नियरर टू वॉल है इट डजंट मैटर यू सी क्योंकि अल्टीमेटली वो एलिप्स ही है और दोनों का एक्सेंट्रिसिटी विल बी वन एंड द सेम है ना वन एंड द सेम दोनों का एक्सेंट्रिसिटी देख. अच्छा तो ई क्या होगा रिमेंबर ये हॉरिजॉन्टल बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय बड़ा ठीक है. अब ये देखो L square by 9 बाहर L by 3 कटेगा है ना. अंदर में देखो L square by 9 बाहर आया L by 3 है ना और रूट के अंदर 4 minus 1 3 4 divided by 2 L by 3 L by 3 cancel answer is root 3 by 2 simple है. ये आपको रखना है बहुत ही standard result है we'll have to remember this. In fact not only point of trisection any other point other than end points and mid point always trace ellipse. लेकिन एक ऐसा unique question है जिसका ना e थोड़ा सा देखो root 3 by 2 थोड़ा सुंदर है इसलिए ये question पूछा जाता है. अच्छा मेरा question ये है had we considered point of trisection nearer to wall आपका final answer में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No. अगर वो equation पूछा होता तो हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है. कैसे इट वुड हैव बीन देखो 4 उधर की तरफ चला जाएगा बिकॉज़ दिस वुड हैव बीन a / 3 दिस वुड हैव बीन 2b / 3 बट अल्टीमेटली इट वुड बी एलिप्स एंड अल्टीमेटली एक्सेंट्रिसिटी वुड बी √3 / 2 ठीक है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. अच्छा अब क्या है कि यही क्वेश्चन ना इट वुड हैव बीन आस्क्ड इन डिफरेंट वे इट वुड हैव बीन आस्क्ड इन डिफरेंट वे वो क्या है कि अच्छा ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है द सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन कि इमेजिन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इमेजिन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है ना ये कोई स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ l है और ये लैडर y जो भी है. नाउ द लैडर इज मेकिंग अ ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का अच्छा अभी इसका थोड़ा सा कंटीन्यूअस है मान लो कि ये जो रॉड है मान लो रॉड इज मेकिंग अ ट्रायंगल oab विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. क्वेश्चन कुड़ा भी फाइंड लोकस ऑफ सर्कम सेंटर फाइंड लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओएबी वुड एनीथिंग चेंज वुड दिस चेंज नो. इसका मतलब लोकस ऑफ सर्कम सेंटर का मतलब इसका सर्कम सेंटर कहां लाइन करता है एग्जैक्टली क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट माने इधर का सेकंड क्वेश्चन इधर का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब भी सेम है. You'd have still got answer as x square plus y square is equal to l square by 4. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और दूसरा, he would probably ask us locus of centroid of triangle, centroid of triangle OAB. ठीक है अच्छा. अब OA का centroid, centroid का ही बीच में होता है इधर. Since उसी का locus निकालना है, उसी को x comma y लेते हैं. सही है? अच्छा सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं तीनों वर्टाइसेस का x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स के एवरेज x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3 ठीक है आइए आंसर.
तो x इज a बाय 3, y इज b बाय 2, तो a इज 3x एंड b इज 3y, डालो उसमें अभी 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज x स्क्वायर, है ना, पुटिंग वन, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज x स्क्वायर बाय 9। और आपने नोटिस किया कि सेंट्रोइड का भी, सेंट्रोइड का भी सर्कल को ट्रेस कर रहा, इसका सेंटर है ओरिजिन और इसका रेडियस है l बाय v। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर्कम सेंटर माने मिड पॉइंट, सर्कल, सेंट्रोइड इज आल्सो सर्कल, एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एवरी अदर पॉइंट ऑन द रॉड एक्चुअली ट्रेसेस एलिप्स, है ना, और जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला जो एलिप्स होता है उसका एक्सेंट्रिसिटी होता है 3/2। तो एक पैकेज क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो चीजें हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, तो देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना वर्कशीट में इफ अवेलेबल लाइन x cos alpha plus y sin alpha is equal to p where alpha is parameter and p is constant intersects coordinate axis at a and b respectively, then find locus of midpoint of AB. Then find locus of midpoint of AB. है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक वेरिएबल लाइन है, माने ये फिक्स नहीं है, इवन दो पी इज कॉन्स्टेंट लेकिन अल्फा कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसा जैसा अल्फा बदलेगा वैसे वैसे लाइन भी अलग अलग होगा, ऐसे बहुत सारे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अल्फा, अल्फा फिक्स नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, जिसे जनरली हम ऐसे फिगर बनाते हैं हमेशा, और ये वाला पॉइंट को हम लेते हैं ए समथिंग कॉमा जीरो और ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा समथिंग, ठीक है। सिंस लाइन का इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू अस, लाइन का इक्वेशन इज गिवन टू अस, तो हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं क्या, सिंपल, जहां ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां y जीरो, यहां y जीरो डालेंगे तो x की वैल्यू p अपॉन cos alpha, ये p अपॉन cos alpha, सिमिलरली इसके लिए ना x जीरो, ये p अपॉन sin alpha। और अब तक लोकस किसका निकालना है, इसका मिड पॉइंट का, तो जिसका लोकस निकालना है उसको हम x कॉमा y लेते हैं या h कॉमा k डिपेंडिंग अपॉन वेदर h कॉमा k या x कॉमा y इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अच्छा, तो मिड पॉइंट अभी अभी क्या है, वी डू नो हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट, डोंट वी, x1 प्लस x2 बाय 2, 0 प्लस p अपॉन cos अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2, p अपॉन sin अल्फा प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय 2, माने x क्या हुआ, अच्छा ये नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है नीचे चला जाएगा और ये वाला p अपॉन 2 sin। अच्छा, अब बात यह है कि हम ये नहीं बोल सकते कि यही लोकस है, नहीं, इसमें प्रॉब्लम किसके वजह से है, अल्फा, क्योंकि अल्फा यहां है पैरामीटर, पिछले क्वेश्चन में ए और बी पैरामीटर्स थे, एल क्वेश्चन में दे रखा है, यहां अल्फा इज पैरामीटर्स, वी नीड टू एलिमिनेट अल्फा, ऑब्वियसली यू डोंट नीड इमिटेशन फॉर दिस, है ना, ऑलरेडी वी हैव हियर, ऑलरेडी कर चुके क्वेश्चन थे ना, एलिमिनेट थीटा वर्क किया था, तो यहां से cos अल्फा निकालेंगे p / 2x, यहां से sin अल्फा, ये बाय p / 2y, तो cos square alpha plus sin square alpha 1, तो ये p square / 4x square plus p square / 4y square, ये है, या 4 को दर्शित किया हमने शायद, ये क्वेश्चन है आपने इसमें ना, क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर वर्कशीट में 37, ऑप्शन जो कौन सा मैच कर रहा, 4 p को उधर उधर की तरफ शिफ्ट किया हमने। अच्छा, तो ये 1 by x square प्लस 1 बाय y स्क्वायर, अच्छा p स्क्वायर ऊपर है तो आएगा नीचे, 4 नीचे है तो जाएगा ऊपर, यही था क्या,
सो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। कुछ नहीं था लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी उसका मिड पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट्स निकालना आना चाहिए, हम करते आ रहे हैं ना, अभी कॉमन नॉलेज है। उसका मिड पॉइंट निकाला, इसमें से अल्फा को एलिमिनेट किया, सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अब आते हैं वो सेंट्रोइड वाले क्वेश्चन पे, सेंट्रोइड क्वेश्चन पे। एजीपी में था ना ये क्वेश्चन, हाँ 137। क्या क्वेश्चन है? The locus of centroid of triangle whose vertices are a cos t, a sin t, let this be a, and b is b sin t minus b cos t, and third vertex c is 1,0। यहाँ t पैरामीटर है। सिंपल क्वेश्चन है इसका, कुछ नहीं है। किसका लोकस निकालना है? सेंट्रोइड का। तो सेंट्रोइड को हम लेते हैं x, y, x1 plus x2 plus x3 by 3, a cos t plus b sin t plus 1 divided by 3, similarly a sin t minus b cos t plus 0 divided by 3, सिंपल। अच्छा हमने रिसेंटली लोकस के वक्त हमने कोई क्वेश्चन किया था क्या इस टाइप का? देखो a cos b sin, a sin minus b cos, coefficients interchange और एक में negative sin, तो क्या करते हैं हम? Square and add, simple isn't it? लेकिन यहाँ देखो इसके साथ साथ में कुछ और numbers हैं, तो एक काम करेंगे numbers को पहले eliminate कर देते हैं। तो ये देखो x is equal to this, so 3x minus 1 is a cos b plus b sin, ऐसे लिख सकते हैं ना? और 3y minus 0 माने 3y is a sin t minus b, अब इसको स्क्वायर है, सिंपल है, so 3x minus 1 का होल स्क्वायर plus 3y का होल स्क्वायर is equal to, आप जानते हो कि we get a square plus b square here। अच्छा अगर मैंने पूछा ये कौन सा लोकस को यू नो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल, वेरी गुड। सर्कल क्यों? क्योंकि जब इसको एक्सपैंड किया तो 9x स्क्वायर, इसको एक्सपैंड किया तो 9y स्क्वायर, इसका मतलब ऑब्वियसली ये सर्कल है। अगर मैंने पूछा इसका सेंटर क्या है, एक बार सेंटर के लिए हम क्या करते हैं, अंदर को इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/3 और y की वैल्यू रेडियस के लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि रेडियस के लिए x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो आपको पहले 3 से डिवाइड एक्सेट एक्सेट रखा है, लेकिन अभी कोई लेना देना नहीं है ना, बस ये अपना ख्याल रखना, ठीक है। अच्छा तो ये जो था ये हमने पहले बात कर चुके हैं, और इसी पे एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 135। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें ना दो क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन है। तो क्या है यहाँ अपने पास दो वर्टाइसेस है, ए 2, -3 और बी है -2, बी वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा फाइन, इफ सेंट्रोइड मूव्स ऑन दिस लाइन, सेंट्रोइड जो है वो इस लाइन पे मूव कर रहा है, मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, सेंट्रोइड इस लाइन पे मूव कर रहा है, सेंट्रोइड फिक्स नहीं है, माने ये सेंट्रोइड का लोकस है। अच्छा देन फाइंड लोकस ऑफ थर्ड वर्टेक्स सी। अभी देखो सेंट्रोइड इस लाइन पे मूव कर रहा है, उसका मतलब सेंट्रोइड इसको सेटिस्फाई करता है, माने इस क्वेश्चन के लिए सेंट्रोइड है आपका एक्स वाई, है ना, फिर क्वेश्चन के हिसाब से सेंट्रोइड का लोकस ये है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब x y पहले से ही है क्वेश्चन में, तो थर्ड वर्टेक्स को हम लेंगे लेट इज बी हक, अपना हक बनता है, जो नहीं जानता है मैथ्स में अच्छी बात है कि कुछ
कुछ नहीं जानते तो हक रहता है अपना अज्यूम करने का। अच्छा अब देखो, नाउ वी नीड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन, एक रिलेशन जो हमने बहुत अच्छे से जानते हैं, व्हाट इज दैट, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स। सो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट्स x1 + x2, अच्छा ये तो 0 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 -2 प्लस k बाई 3। ये तो x है और ये तो y है, और ये x और y किसको सेटिस्फाई करेंगे, ये वाला इक्वेशन। तो व्हाट डू वी डू, सिंपली x का वैल्यू इसमें डालेंगे 2 h / 3, 3 टाइम्स y का वैल्यू डालेंगे इक्वल टू 1, सो दिस बिकम्स, अच्छा 3 उधर चला जाएगा ना, तो ये 2h प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो 2h प्लस, अच्छा सो रिमेंबर लोकस मतलब लास्ट आपका आंसर जो है वो x कॉमा y में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने पैरामीटर को एलिमिनेट किया, वी रिप्लेस h कॉमा k बाय x कॉमा y, तो ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये होगा लोकस। अब क्या है कि सेम ऐसे क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, और भी है ना इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 सेम यही क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो यहां लोकस ऑफ क्या पूछा गया है अपने को, ये क्वेश्चन में सेंट्रोइड का लोकस गिवन, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ थर्ड वर्टेक्स, और ये जो क्वेश्चन 145 है, क्वेश्चन 145 है, we have been given locus of third vertex, है ना, locus of third vertex given, we have to find locus of centroid, तो पूरा वही क्वेश्चन है, तो आप ऑलरेडी आंसर जानते हैं, 2x plus 3y is equal to 1, anyway, but यहाँ approach क्या रहेगा, ना, let's look at the approach, very funny, है ना, तो third vertex का ना, C का locus दे रखा है, we need to find locus of centroid, ठीक है, since c का locus given in terms of x y, तो c will be x comma y, g का locus निकालना है तो हक, अच्छा so anyway ultimately देखो centroid का formula क्या होता है, centroid का formula होता है x1 plus x2 plus x3 0 plus x by 3 y1 plus y2 plus y3 -2 plus y1। अब देखो अपने पास कंडीशन है x और y के टर्म्स में, तो अपने को पहले क्या ढूंढना होगा, x और y की वैल्यूज ढूंढना होगा, तो h is x by 3, तो x कितना होगा 3h, तो ये देखो इनको इक्वेट किया 3k plus 2 is equal to y, सही है, और ये उठा के कहां डालेंगे, जो कंडीशन है अपने पास 2 into x plus 3 into y 0 to 9, so 6h plus 9k plus 6 उधर गया, बराबर गया क्या, अच्छा सुपर में, हाँ भैया 3 to 6 is equal to 3 होगा। अच्छा अब देखो h और k तो y हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2x plus 3y is equal to, नहीं तो डाल गया मैं, फिर गड़बड़ करने वाला, ठीक है दिस इज दिस नाइस। अच्छा और एक अच्छा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था वो, 16 9, हां एक्चुअली दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ये भी क्या a ट्रिपल में आ चुका है, अच्छा लेट p बी पॉइंट, तो p फिक्स्ड है 1, 0 एंड q इज एनी पॉइंट ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, q इज एनी पॉइंट ऑन दिस, माने इट्स लाइक दिस इज इट, सेंट्रोइड का लोकस ये है, तो x कॉमा वाई लिया हमने, p भी कोई भी पॉइंट है जो इस पर है, तो नेचुरली व्हाट डू वी डू, दैट इज बी नेचुरल, अच्छा फाइन क्यों इस पर है तो x कॉमा वाई, अब करना क्या है अपने को कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ pq, लेट दिस बी r, लेट दिस बी r, तो अच्छा इसका लोकस निकालना है, ओके वेरी गुड, इनका मिड पॉइंट x प्लस 1 बाई 2 और 0 प्लस y बाई 2, इज इट, अपने पास कंडीशन किसका है x का और y का, जैसा हमने अभी 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 किया, तो यहां से x कितना होगा इनको इक्वेट करने से 2h
माइनस वन इज एक्स, सही है। सिमिलरली वाई इज टू के, अब दोनों उठा के किसमें डालेंगे, एक कंडीशन में वाई स्क्वायर टू के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एट इंटू एक्स टू एच माइनस वन, सिंपल। ये फोर के स्क्वायर, फोर टू जा एट होगा ना, रिमेंबर दिस इज फोर एक्चुअली, फोर टू एच, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एच माइनस टू। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, एच बिकम्स एक्स और के बिकम्स वाई, वेरी इंटरेस्टिंग। ये किसको ट्रेस करता है, ये लोकस, यस यस, तो उस पैराबोला प्यार से बोलना है यार, क्या बोले तो कैसे सुना नहीं दे रहा मेरे को। अच्छा ये देखो कैसे पता चला अपने को, हाँ एक ही सेकंड डिग्री का। अच्छा ये बता, अच्छा ये छोटा बच्चा तक जानता है ये स्ट्रेट लाइन करते हैं। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो क्या एक ही क्वेश्चन बाकी है, कौनसा 70 ठीक है, एक क्वेश्चन है 78 इज इट 78, लेकिन तो क्वेश्चन है ना, टाइम नहीं है अपने पास, वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है, एनीवे कल वाला क्लास में।